जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है, दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी कहूँ एक दिया, जिसमें बाती नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये दिल। हाँ, मुझे आपकी ईमेल मिल गई। हाँ, वो जो आपने कोट की है अमाउंट वो बिल्कुल ठीक। अच्छा हाँ, एक काम कीजिए, वो कुछ मेहमान आए हैं मेरे घर, तो लेट देम गो, देन आई कॉल यू इन अ वाइल। हाँ हाँ, डेफिनेटली कम बैक। हाँ, ऑल राइट ऑल राइट, लिव लॉन्ग, बाय बाय। नादिया भाभी, आपका सूट तो बड़ा शानदार है, कहाँ से बनवाया? अरे भाई, तुम्हारी पार्टी पे आना था, सोचा कहाँ जाऊँ, ANZ से लिया है मैंने। मैंने सोचा उनके अलावा काम नहीं चलेगा, डिज़ाइनर होना चाहिए। देखो ना, ऐसे वैसे कपड़े तो मैं पहनती नहीं, और तुम्हें पता ये ANZ वाले जो हैं, ये एक दफ़ा जो जोड़ा बनाते हैं अगले 6 महीने उसे कहीं कॉपी नहीं होने देते, सो दिस इज एन ओरिजिनल। हाँ ये तो है। ओहो वहा भाई, आपकी बारी। Come on, Api. Okay, Rehan. This one. Yes. ऐसे नहीं, ये फाउल है। नादिया भाभी, फिर तो बहुत महंगा हो गई सूट। हाँ देखो, महंगे कपड़े ही पहनती हूँ, सस्ते कपड़े तो मैं नहीं पहन सकती, ओनली डिजाइनर, तुम्हें पता है। और ये डिजाइनर है तो महंगा ही होगा ना। मैं जरा आती हूँ। Excuse me, मैं भी अभी आता हूं। अरे क्या हुआ, तबीयत तो है भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहा भी था कि मुझे मत लेके आओ अपने भाई के घर, मैं उनकी दावतों के बगैर ही अच्छी।
क्या हुआ है भाई? रमा और मुईन ने तो कोई ऐसी बात नहीं की। अब देखो ना, अगर हम इस पार्टी में नहीं आते तो कितना बुरा लगता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि रमा ये सब क्यों करती है, क्यों करती है ये दावतें, सिर्फ मुझे दिखाने और मुझे जलाने के लिए। अच्छा अच्छा, आहिस्ता बोलो, अंदर आवाज चली जाएगी, वो सुन लेंगे। अरे सुन ले, मैं नहीं डरती किसी से। ठीक है गरीब सही, उतना पैसा ना सही जितना तुम्हारे भाई के पास है, लेकिन जो भी रुखी सुखी है गुजारा करते हैं, उसी में रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। खुदा के लिए गुस्सा थूक दो, अब आए हैं तो अच्छा वक्त गुजार लें, कोई बुरा लगता है? अरे बुरा लगता है तो लगता रहे, मुझे नहीं खाना इनका खाना वाला, मुझे घर लेके चलो, बस कह दिया। खुदा के लिए राबिया, ऐसा मत करो। देखो मोइन को बुरा लगेगा, और तुम तो जानती हो कि मोइन ऐसा नहीं है। अरे छोड़ो, सब एक जैसे हैं, अच्छी तरह जानती हूँ मैं, तुम्हारे भाई भाभी भी और एहसान नादिया भी, सब मुझे दिखाने और जलाने के लिए करते हैं। पता है ना कि मैं ले नहीं सकती, इसीलिए महंगे महंगे सूटों की बातें करती हैं। देखना, एक ना एक दिन अल्लाह का अजाब इन पे आएगा, तब मेरा कलेजा ठंडा होगा। अरे अच्छा चलो, गुस्सा नहीं करो, आओ आओ अंदर आ जाओ, चलो, अच्छा नहीं लगता, चलो। काफी पुरानी डिजाइनिंग है ना बड़ी। यस यस ये, ओह नो, भाई। चलो भाई, क्वीन तो हो गई तुम्हारी नेहा आपकी की, और क्यों ना होती, नेहा आप खुद जो क्वीन। हाँ मेरी जान, मेरा सेल फोन कहाँ है? बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख रहा था। आप रूम में होगा, आई थिंक आंखों के सामने है लेकिन पहुंच में नहीं है। मैं अभी लेकर आती हूँ, लेकिन देखो तुम दोनों को चीटिंग मत करना, ओके? जर्द पत्ते सा ये दिल। इस ये वाली गेंद तो तुम पक्का ही हारोगे इमरान। वहाब तुम? हाँ। लॉक क्यों कर रहे हो? तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। जरूरी बात करने के लिए दरवाजा लॉक करने की क्या जरूरत है? मैं खा नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हटो। देखो वहाब, वहाब अगर तुम मेरे पास आए ना तो मैं बहुत शोर बचाऊंगी, मैं मामा को बुलाऊंगी, मैं सबको बता दूंगी, मेरे पास मत आना। कोई फायदा नहीं है ना, इसलिए कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा कमरा लिविंग रूम से कितने फासले पर है। तुम चाहोगी भी तो तुम्हारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकेगी। हटो हटो, मुझे जाना है।
लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो होगा वही चला पास बता वहां स्टॉप वहां पे सबको बताऊंगी मैं मां को बताऊंगी स्टॉप मैं आज सोच के आया हूं समझ गई मेरी जान तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें उससे महफूज रखा मैं समझ गई हौसला रखो बेटा मैंने कहा ना अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें और हमें हम सबको उस मुसीबत से महफूज रखा मगर राबिया और मतीन भाई का खून इतना गंदा होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था जर्द पत्ते सा ये दिल नेहा, तुम्हारे पापा गए आंसू पोंछ ले और खुद को संभालो तुम ऐसा करो जाओ वॉशरूम जाके मुंह हाथ धो लो मैं जब तक तुम्हारे पापा को देखती हूँ रमा उठ मुंह हाथ धो लो तुम सब नीचे खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ नेहा के कमरे में वो असल में नेहा की तबीयत थोड़ी खराब थी बस उसी को देखने आई थी क्यों क्या बात है खैरियत है ना है मैं देखूं नहीं नहीं कुछ नहीं बस जरा सा सर में दर्द था
मैंने दवा दे दी है। हाँ तो बाबा देखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। वो एक्चुअली वो वॉशरूम में है। मैंने कहा ना तबीयत ठीक है उसकी, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बल्कि आप आए ना मेरे साथ, काफ़ी देर हो गई है, खाना लगवा दूँ? अब आप ही जाए ना, यहाँ खड़े क्या देख रहे हैं, चल। जर्द पत्ते सा ये दिल। कितना है पागल, धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी कहूँ एक दिया, जिसमें बाती नहीं फिर भी जलता है। कभी का सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये दिल।